हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र मौर्य ब्लॉग। तो गाइस, आप जैसे कि मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है और मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो गाइस, बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया था। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं उज्जैनी जो कि नर्मदा का संगम हुआ है। तो चलो चलते हैं और वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और लाइक तो जरूर कर देना। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं उज्जैनी में। टंटना, अभी हम पहुंच चुके हैं पिपलाना चौराहे पे। अभी हम मेरे जो पीछे का दिख रहे हैं ये पिपलाना का तालाब है जो कि अभी खाली पड़ा है, पर बरसात में बहुत अच्छा भर जाता है, यहाँ पे बहुत हरियाली रहती है। तो आपको एक छोटा सा जगह दिखलाता हूँ यहाँ की। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और अभी यहाँ पे कोरड भी बन रहा है, देखो ये सामने जो बन रहा है कोरड है यहाँ का, जो अभी बन रहा है बहुत बड़ा कोरड बन रहा है ये देखो। तो अभी मेरे दोस्त आने बाकी है, तो जैसे ही मेरे दोस्त आते हैं अभी मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे वो यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ पे निकलते हैं उज्जैनी की ओर। तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम आ चुके हैं राजा भैया लालू भाई के पास। तो हम तीनों जा रहे हैं उज्जैनी। तो चलो चलते हैं और वहाँ के आपको नज़ारा दिखाएंगे अच्छे से बढ़िया बढ़िया। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो, मिलते हैं उज्जैनी के अंदर। लालू भैया उज्जैन जाओगे? ठीक है दोस्त, चलो। हम आ चुके उज्जैनी लालू भाई के साथ और राजा भाई के साथ। ये देखिए ये उज्जैनी का मेन गेट, अब अंदर जा रहे हैं हम। ये देखिए इधर, ये फोर व्हीलर पार्किंग के लिए है। ये देखिए क्या मस्त है यहाँ का नज़ारा। देखिए यहाँ पे इधर हरियाली कितनी बड़ी बड़ी हरियाली है। बहुत बहुत दिनों के बाद यहाँ पे दर्शन करने को मिला। क्या मस्त है यहाँ पे नर्मदा संगम है। यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे फिर आगे जाएंगे मंदिर। चला लो ये देखिए नर्मदा संगम, यहाँ पे नहाएंगे फिर आगे जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया माहौल है यहाँ का। दोस्त अभी हम नहाने के लिए जा रहे हैं अंदर, तो चलो फटाफट से चलते हैं और नहाएंगे। लालू भाई नहाने की इच्छा है कि नहीं? अरे मैं नहीं नहाऊंगा यार। अरे नहाएंगे यार, चलो यार। हमारे लालू भाई नहाने को तैयार नहीं, पर अब राजा भाई हम दोनों नहाएंगे और लालू भाई वीडियो बनाएंगे। तो चलो ये देखो कितना प्यारा था पूल। अभी इसी के अंदर हम नहाएंगे और चलो नहाते हैं। भैया देख रेख करते हैं यार, कितना बढ़िया है यहाँ पे देखो माहौल। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट, यहाँ पिकनिक के लिए भी हम आ सकते हैं, पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पे अगर आना हो तो आपको। तो अभी हम आपको यहाँ की हरियाली दिखाते हैं, एकदम मस्त मस्त हरियाली है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और सभी। चलो ये देखो अभी को अंदर कितनी बढ़िया सी नज़ारा, ये देखो कितनी बड़ी यहाँ पे पार्क जैसा बना हुआ है, कितना बढ़िया पार्क है। देखो मेरे पीछे का व्यू देखिए आप।
अभी यार हमारे राजा भी थोड़ा घूम रहे इधर उधर, तो हम भी घूम रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की एकदम, अभी ऊपर हम मंदिर पे भी जाएंगे, ऊपर मंदिर के दर्शन भी करेंगे। अभी हम यहाँ पर घूम रहे अभी, तो ये देखो कितनी बड़ी हरियाली यहाँ पे, ये देखिए। राजा भाई क्या हुआ? संगम देखने पाए, देखो यहाँ का संगम देख लेते हैं, आओ। ये देखो यहाँ पे संगम हो रहा है पानी का। लालू भाई कैसा लग रहा है आपको? हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग? लालू भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा दोस्त। ये देखो हमारे राजा भी फिर से जा रहे हैं। तो गाइस थोड़ी देर बाद हम ऊपर टेकरी पे जाएंगे, ऊपर मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको ही बताएंगे कि मंदिर कैसा है यहाँ पे। उसके बाद फिर से एक बार नहाएंगे, अभी हम नहाए नहीं है वैसे, अभी तो घूम रहे हैं यहाँ पे। हम नहाने के तैयार है, अब हम जा रहे हैं अंदर नहाने के लिए। लालू भाई नहा नहीं रहे थे, लालू भाई बैठे हैं यहाँ पे, राजा भाई और हम दोनों नहाने के लिए जा रहे हैं अंदर। तो चलो फटाफट अंदर नहाते। लालू भैया तो गाइस अब हम जाएंगे मंदिर, मंदिर का दर्शन करने ऊपर जाएंगे, नहा धो लिया अब हम। लालू भाई नहीं नहाए, लालू भाई नहाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए हम राजा भाई हम दोनों नहाए। तो गाइस अगर आपको आप आना है तो ये इंदौर से 18 किलोमीटर है, मेरे घर से करीब 18 किलोमीटर पड़ा मुझे। तो गाइस आपको आना है तो यहाँ पर आ सकते हैं, ये पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं आप। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कितना बढ़िया यहाँ पे माहौल है। तो गाइस अभी आपको मैं उज्जैन की ओर दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छे अच्छे यहाँ देखो बढ़िया सा आप दिखाता हूँ, यहाँ से पानी गिरता है यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे कि यहाँ से पानी गिरता है, यहाँ देखो यहाँ लिखा है पान गुटखा खाना थूकना मना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से पानी गिरता है, आज शनिवार है तो आज गिराया नहीं है पानी। देखो यहाँ का व्यूज़, ये देखो यहाँ से निकलता है पानी। शिप्रा कुंड, तो गाइस ये है शिप्रा कुंड, ये देखो शिप्रा कुंड बना यहाँ पे। ये जो पीछे का दिख रहा व्यू, ये शिप्रा कुंड। तो गाइस वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ पढ़ के, देखो आप पढ़ लीजिए यहाँ पे जो जो लिखा है दिख रहा है आपको।
देखो ये शिप्रा संगम यहाँ पे। ये देखो यहाँ कितना बढ़िया शिप्रा संगम है। ये देखो यहाँ अभी सो गाइस अभी हम चल रहे हैं ऊपर मंदिर के दर्शन करने। यहाँ से निकलेंगे अभी ऊपर जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे ऊपर तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये रख लो यार जिम में यार, इसको कहाँ तुम लेके सारी जैसा हो जाए लेके आना चाहिए वो राजा बांस का वातन तो पतला जिसे दातन करते वो लेके आओ और भाई से दो छोटा। तो गाइस अब हम जा रहे ऊपर मंदिर के दर्शन करने के लिए। अरे पानी की बोतल ले वाइस ले ले पानी पीते हुए थक गए हैं चल चल के दोस्त हमारे। दोस्त सीढ़ियाँ बहुत है देखो ये सीढ़ियाँ तो हम बहुत थक गए। देखो पीछे का व्यू थी मेरे ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम अभी। देखो चाबी रखा कि नहीं गाड़ी उनकी चाबी तो हम बहुत थक गए सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। ये देखो कि सीढ़ियाँ यहाँ पे ऊपर मंदिर है और नीचे सीढ़ियाँ ऐसी सीढ़िया तो मैंने देवास में देखी थी। ये देखो कितना प्यारा क्या हमारे राजा भैया और लालू भैया थक गए। ऊपर देख रही है नजारा क्या खतरनाक लग रहा है। दोस्त अभी छांव भी आ गया है तो हम थोड़ी और तेज में चल रहे हैं। वो पहाड़ी का इलाका कैसा चिकान चोन लग रहा है। तो गाइस हम मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो ऊपर जो टेकरी दिख रही है सामने वहाँ मंदिर है बस थोड़ी दूर और है। हम 200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके कम से कम अभी सो बाकी और 300 सीढ़ियों का ये मंदिर है। अभी चलते ऊपर और कुछ क्षणों बाद हम मंदिर के दर्शन कर लेंगे। चलते ऊपर। जय माता दी। जय माता बोलो। जय माता दी राजा भैया। जय माता दी। वही घूमेंगे चिड़ियाघर। ये देखो छोटे छोटे टपरिया बनी है जहाँ पे विशाल खेड़े दे सकते प्रसाद मिल रहा है। ये देखो इधर बहुत अच्छा लग रहा है पहाड़ी पाके बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। पर धूप बहुत लग रही है वैसे। ये देखो खड़ी पहाड़ी जैसे चिड़ाव है। देखो यहाँ पे सीढ़िया कितनी नीचे थी दिखी नीचे सीढ़िया। लालू भैया थक गए क्या राजा भैया कैसे चल रहे धीरे धीरे। देखो गाइस सबसे ऊपर आ गए मंदिर के पास कैसा है। यहाँ गए हम मंदिर के दर्शन करने के लिए ऊपर। सामने खेत ही खेत कैसे मंदिर है। चल रही है यहाँ पे
शिप्रा मुख्य मंदिर। मंदिर आ चुके हैं यहाँ पे, हम मंदिर देख लीजिए। कितना हरा भरा यहाँ पे देखो, कितना हरा भरा है। अरे इधर नहीं सही आ रहा, मोबाइल दे। अरे इधर सही नहीं आ रहा। तो गाइस अभी हम भोलेनाथ के मंदिर पे आ चुके हैं। देखिए नीचे ये भोलेनाथ का मंदिर है। चलो आपको मैं दर्शन कराता हूँ अभी अंदर के। ये नंदी जी है और भोलेनाथ जी मंदिर है, जो कि टेकरी बना हुआ है। और ऊपर आपको जो मंदिर दिखाया था पहले मैंने, जो आपको मैंने ऊपर दिखाया था मंदिर, वो माता जी का मंदिर है। तो यही है उज्जैनी। यहाँ पे नीचे नर्मदा नदी है और ऊपर भगवान भोलेनाथ जी और माता जी विराजमान है। तो चल, तो गाइस हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हुए और आपको भी मंदिर के दर्शन कराए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। तो टाटा बाय बाय, चलो जय माता दी।